आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चैनल एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विपरीत राजयोग कैसे बनता है, क्या फायदे होते हैं विपरीत राजयोग के, क्या सबके कुंडली में ये राजयोग होता है, कब ये राजयोग फल नहीं देता है। ज्योतिष प्रेमियों को राजयोग को लेके बहुत उत्सुकता रहती है और लोग अपनी कुंडली में राजयोग को जानना चाहते हैं, क्योंकि इसके कारण जातक को अतुलनीय सफलता प्राप्त होती है, जातक को मान सम्मान प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, पारिवारिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, ऐशो आराम के साधन प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे विपरीत राजयोग के बारे में, जिसके कारण भी जातक को जीवन में विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। हम उदाहरण के साथ इस राजयोग को विस्तार से जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली के कौन से भावों का अध्ययन किया जाता है विपरीत राजयोग को जानने के लिए। तो विपरीत राजयोग को जानने के लिए जन्म पत्रिका के त्रिक भावों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात छठे, आठवें और बारहवें भाव का अध्ययन किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे बनता है विपरीत राजयोग। अगर कुंडली के छठे, आठवें और बारहवें भावों के स्वामी इन्हीं में से किसी भाव में बैठ जाएं, तो ऐसे में जातक की जन्म पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। आइए जानते हैं जातक को कब इसका फल प्राप्त नहीं होता। अगर कुंडली में लग्न कमजोर हो तो ऐसे में जन्म पत्रिका में विपरीत राजयोग होने पर भी जातक का जीवन संघर्ष से भरा होता है और ऐसे में कुछ ठोस उपायों को करने की आवश्यकता होती है। अगर कुंडली में कमजोर ग्रह हो तो भी इसका अपेक्षित फल प्राप्त नहीं होता है। आइए अब जानते हैं विपरीत राजयोग के बारे में कुछ खास बातें। इस योग के होने पर ऐसा नहीं होगा कि जातक शुरू से ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगता है, अपितु संघर्ष के बाद आखिर में सफल जरूर होता है। लग्न के कमजोर होने पर विपरीत राजयोग का फल प्राप्त करने में बहुत मुश्किलें आती है। इस योग के कारण जातक के जीवन में अचानक से बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस योग के होने से जातक को मुसीबत के समय किसी ना किसी का मार्गदर्शन जरूर मिलता है और जातक संकटों से बाहर आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई कर्जे में हो और उनके कुंडली में विपरीत राजयोग हो तो निश्चित ही जातक किसी की सहायता से कर्जे से मुक्त हो जाता है। अगर कोई किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो और उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनता हो तो ऐसे में वो भी विजय प्राप्त करता है। आइए अब जानते हैं विपरीत राजयोग कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार विपरीत राजयोग तीन प्रकार के माने गए हैं। पहला है हर्ष विपरीत राजयोग, दूसरा है सरल विपरीत राजयोग और तीसरा है विमल विपरीत राजयोग। आगे बढ़ने से पहले हमें ये फिर से जान लेना आवश्यक है कि पत्रिका में अगर लग्न कमजोर हो या ग्रहों की स्थिति कमजोर हो तो ऐसे में जातक को विपरीत राजयोग का फल प्राप्त नहीं होता है या फिर अपेक्षा से बहुत कम ही प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं हर्ष विपरीत राजयोग कैसे बनता है कुंडली में। अगर पत्रिका में छठे भाव का स्वामी त्रिक भावों में से कहीं भी बैठ जाए तो हर्ष योग नाम का विपरीत राजयोग बनता है। इसके कारण जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, उसे धन की कमी नहीं रहती, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने पर भी वो उस पर विजय प्राप्त करता है, ऐसा जातक बड़े बड़े निवेश भी करता है अपने जीवन में। आइए जानते हैं सरल विपरीत राजयोग कैसे बनता है कुंडली में। तो अगर जन्म पत्रिका में अष्टम भाव का स्वामी त्रिक भावों में से कहीं भी बैठ जाए तो सरल नाम का विपरीत राजयोग बनता है। सरल योग के होने से जातक अनुसंधान के कार्य में विशेष सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का तार्किक दिमाग बहुत अच्छा होता है, जीवन में समय समय पर आकस्मिक बड़े लाभ होते हैं और आकस्मिक रूप से बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं जो कि जीवन को बदल के रख देते हैं।
ऐसे जातक अगर अध्यात्म में हो तो बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं, अगर वैज्ञानिक बन जाए तो बहुत बड़ी खोज कर लेते हैं, नौकरी या व्यापार में हो तो नए नए तरीकों से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। आइए जानते हैं विमल विपरीत राजयोग कैसे बनता है। अगर जन्म कुंडली में 12वें भाव का स्वामी किसी भी त्रिक भाव में बैठ जाए तो विमल नाम का राजयोग बनता है। इस योग के कारण जातक का अपने जन्म स्थली से दूर अपना नाम करता है, ऐशो आराम में खूब धन खर्च करता है, बड़े बड़े निवेश भी करता है और अपने हिसाब से ही काम करना पसंद करता है। यहाँ फिर से बताना चाहेंगे कि विपरीत राजयोग होने पे ये मत समझ लीजिए कि आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। ये योग ये बताता है कि काफ़ी संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलेगी, अतः सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अगर हम विपरीत राजयोग के लोगों के जीवन को देखें तो इनका जीवन कुछ रहस्यमय तरीके से बदलता हुआ नजर आएगा। आइए जानते हैं क्या विपरीत राजयोग अच्छा होता है। तो हाँ, ये अच्छा होता है, परंतु इसके परिणाम शुरू से नजर नहीं आते हैं, और साथ ही अगर ग्रह कमजोर हो तो ऐसे में विपरीत राजयोग का परिणाम पूरा नहीं दिख पाता है और जातक को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। आइए अब उदाहरण से समझते हैं विपरीत राजयोग को। सबसे पहले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली को देखते हैं। इनकी जन्म पत्रिका में 8वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा है, जिसके कारण सरल विपरीत राजयोग बनता है। और इनके जीवन को अगर आप देखें तो खूब मेहनत के बाद इन्होंने अपना एक अलग मुकाम पाया है, परंतु यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जब भी इन्हें कप्तान बनाया गया तो ये प्रेशर में भी आ गए और इनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ। इनके जीवन साथी भी इनके जीवन में अचानक से आई और रहस्यमय तरीके से इनका प्रेम जीवन शुरू हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं अमिताभ बच्चन जी का। इनकी कुंडली में 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में ही मौजूद है, जिसके कारण सरल विपरीत राजयोग बनता है। इनका जीवन बहुत ही रहस्यमय तरीके से बदला, जिसके बारे में सभी जानते हैं। इनके जीवन में इतने बड़े परिवर्तन हुए कि साधारण व्यक्ति होता तो शायद जिंदा ना रहता, परंतु संघर्षों के बाद इन्होंने एक अलग मुकाम पूरी दुनिया में हासिल किया। तीसरी कुंडली देखें अगर, तो वो है राज कपूर जी की। इन्होंने तो बॉलीवुड को एक नई दिशा दी है। इनकी कुंडली में देखें तो 12वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा है और विमल विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। इन्होंने भी खूब संघर्ष किया और एक अलग ही मुकाम हासिल किया है इस दुनिया में, और इनका जीवन भी बहुत रहस्यमय तरीके से बदला है। तो देखा जाए तो विपरीत राजयोग सिर्फ सफलता को ही नहीं दिखाता है, अपितु संघर्ष के बाद सफलता को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में भी ये योग है तो संघर्ष के बाद सफलता के लिए तैयार रहें, और ये योग अगर कमजोर हो तो उसका फायदा उठाने के लिए अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको विपरीत राजयोग के बारे में पूरी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। इसकी पूरी डिटेल्स को पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस भी तुरंत प्राप्त हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।